सत्र के 10वें दिन सदन में शून्यकाल में स्वाइन फ्लू का मामला भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शिवरतन शर्मा ने उठाया। शिवरतन शर्मा ने सदन में कहा कि केंद्र के अलर्ट के बावजूद भी राज्य सरकार स्वाइन फ्लू को लेकर सचेत दिखाई नहीं दे रही है। प्रदेश में लगातार होती मौत और अस्पतालों में बढ़ते मरीजों की संख्या को राज्य सरकार दरकिनार कर रही है। शिवरतन शर्मा ने पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक की स्वाइन फ्लू से हुई मौत का भी हवाला दिया। मीडिया से चर्चा करते हुए शिवरतन शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में स्वाइन फ्लू को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और मरीजों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश में 10 से ज्यादा मौत स्वाइन फ्लू के चलते हो चुकी है और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि स्वाइन फ्लू से जो मौत हुई है उसमें एक स्वास्थ्य विभाग का प्रमुख अधिकारी महेंद्र जांगड़े भी सम्मिलित है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समुचित व्यवस्था करना चाहिए, केंद्र की सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है इस विषय पर प्रदेश की सरकार इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है और स्वाइन फ्लू एक महामारी की टाइप फैल रहा है और वास्तव में पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। इस विषय में हम लोगों ने ध्यान आकर्षण प्रस्तुत किया है और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि उस पर चर्चा कराएं। संसदीय कार्य मंत्री ने इसे आम जनता से जुड़े सवाल के चलते इसे ध्यानाकर्षण में लिए जाने की बात कही। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, स्वाइन फ्लू के मामले में सदन गंभीर है और इस पर चर्चा की जाएगी। निश्चित रूप से प्रदेश में स्वाइन फ्लू की लगातार जानकारियां आ रही हैं और विशेष रूप से खैरागढ़, भिलाई और रायपुर में कुछ घटनाएँ हो चुकी हैं, कुछ कैजुअल्टी हो चुकी हैं। आज सदन का ध्यान विपक्ष की ओर से भी और हमारे पक्ष की ओर से भी सदस्यों ने आकर्षित कराया। हालांकि ध्यानाकर्षण की सूचना नहीं थी इसलिए सरकार का कोई उत्तर नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी सदन को शीघ्र अवगत कराएंगे सरकार के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से। मैं समझता हूं सरकार का स्टेटमेंट हो सकता है आज भी आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्वाइन फ्लू के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा, शिविर लगाए जा रहे हैं, साथ ही मरीजों की देखभाल भी अस्पताल में पूरी तरह से की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाहर से आने वाले की प्रदेश में आने से भी हमारी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एहतियात के तौर पर लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है। प्रचार के लिए पूरी तरह से व्यवस्था अपनाई जा रही है। सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि उपचार में कोई कमी ना हो, अस्पतालों में संबंधित दवाइयां उपलब्ध है। मंत्री ने कहा कि इस रोग को पकड़ने की दिक्कतें आती है, अचानक पकड़ में नहीं आता है। रोग के प्रति थोड़ा भी शक होने के बाद टेस्ट करवा ले। केंद्र के अलर्ट पर उन्होंने कहा कि राज्य में अलर्ट जारी करने से भय की स्थिति बनेगी, इसलिए बचा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि समीक्षा के बाद ही अलर्ट जारी किया जाएगा। उनकी भी चिंता जायज है, प्रदेश में एक भी व्यक्ति की किन्हीं कारणों से भी मृत्यु हो तो वो चिंता का विषय है और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी जो संक्रामक है उससे स्वाभाविक चिंता करना जायज है और उचित है। अभी ऐसी चिंता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में विद्यमान है। ज़्यादातर केसेस जो हैं, करीब करीब 95% केस ऐसे ही आ रहे हैं कि जो कहीं बाहर गए और आए और उनको बीमारी हो गई। एक एहतियात के तौर पे सबको सचेत रहने के लिए कि कहीं भी ज़्यादा संपर्क हम आते हैं, बुखार आता है, हमको केयरफुल होना है। स्वाइन फ्लू का जरूर टेस्ट करा लीजिए। अपने ओर से सरकार भरसक प्रयास कर रही है कि लोगों को जागरूक भी रखे और उपचार में कहीं भी इस प्रकार की कमी ना हो, वैक्सीन्स की कमी ना हो और आगे हमारा प्रयास यही रहेगा कि ऐसी घटनाएं ना घटित हो। अलर्ट में क्या है कि भय भी बन जाता है और बतौर जागरूक करने के लिए तो बतौर अलर्ट इस बात का निश्चित रूप से जारी भी करवा देंगे। जाहिर है, प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू से हो रही मौत को लेकर एक ओर जहां आम जनता भयभीत है तो वहीं सदन में भी इसकी गंभीरता को लेकर चिंता जताई गई है। अब आने वाले समय में ध्यानाकर्षण के माध्यम से सरकार इसे सदन में रखेगी और स्वाइन फ्लू पर समीक्षा की जाएगी। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन एस गणेश के साथ स्वरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।